हाय कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? गाना जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। देखो मेरे कितने सुंदर सी मेरे काना जी हैं प्यारे से, तो ये राधे राधे बोल रहे हैं आप सबको। और आज वीडियो है थोड़ी सी लंबी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर हैं जिसको मैं डिटेल में बताती हूँ, तो आप ज़रूर से वॉच करना और आपके भी बहुत काम आएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच करना और आपको सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आ जाए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राम। मुझे सही लगे सवाल जो मेरे नज़रों के सामने आ गए वो मैं कर रही हूँ। और बस आपकी बार थोड़ा सा सोच रही थी सवालों का जवाब देने का, बट मैंने कहा क्योंकि थोड़ा सा इस प्रॉब्लम है तो ड्रॉप वगैरह डाल लिए तो थोड़ा सा सुकून है, बट मैं आपको फिर भी रिप्लाई दूंगी, और क्योंकि नॉर्मली वैसे नहीं दे पा रही हूँ। तो जय श्री राधे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे। चलो पहला सवाल है लड्डू गोपाल क्राफ्ट का। इन्होंने पूछा है दीदी तुलसी में एकादशी को जल डाल सकते हैं, तुलसी तोड़ सकते हैं या नहीं? एकादशी को कान्हा जी का इनके बर्थडे है, मना सकते हैं? देखिए आप संडे को, द्वादशी को और एकादशी को मतलब कि जल नहीं दे सकते ना तुलसी तोड़ सकते, बट हाँ एकादशी को तुलसी हम तोड़ सकते हैं, जल नहीं दे सकते क्योंकि एकादशी को तुलसी मैया व्रत रखती हैं विष्णु भगवान जी के लिए, शालिग्राम जी के लिए व्रत रखती हैं ऐसा कहा जाता है। तो आप तुलसी को उनकी सेवा के लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन संडे हैं तो नहीं तोड़ सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कान्हा का आपका बर्थडे है तो आप जैसे एक दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। मैं हमेशा से तुलसी खट्टी तोड़ के 3-4 दिनों की रख के पानी में डिप थोड़ा सा नीचे छोटा सा गिलास ले लेती हूँ, कटोरी ले लेती हूँ, उसमें पानी डाल लेती हूँ और ऊपर से तुलसी रख देती हूँ, तो वो 3-4 दिन चल जाती। तो आप ऐसा कर सकते हो, संडे द्वादशी को ना तोड़ें तुलसी और ना ही जल चढ़ाएं, ठीक है? एकादशी को भी जल नहीं चढ़ेगा, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन अब ले लेते हैं। स्कूल ये है फन ऑफ द वर्ल्ड, स्कूल जाने वाला बच्चा लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें प्लीज बता दो। इस बारे में मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। जो स्कूल जाते हैं बच्चे, स्कूल का मतलब यानी बहुत छोटी आयु हो गई, उम्र होगी, एज होगी, कितनी आप बातों में बोल सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर आपको ज़्यादा ही सेवा भाव का बहुत ज़्यादा है, देखो आजकल बच्चों में बहुत प्रेम हो रहा है, सेवा भाव है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह जैसे आप अपने स्कूल के लिए उठेंगे थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, स्नान वगैरह करा दो, वस्त्र पहना दो और अपनी मम्मी से बोल देना, या आप खुद भी दूध का भोग लगा के जा सकते हो, ड्राई फ्रूट का, अगर आपके घर में कोई और सेवा नहीं भाव है तो ड्राई फ्रूट नहीं, और ड्राई फ्रूट भी ना हो तो मिश्री में तुलसी दल और जल में तुलसी दल डाल के हाथ जोड़ के जा सकते हो कि लल्ला प्रभु जो भी आपने रिश्ता बनाया हुआ है कि हम अभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आएंगे तब आपकी सेवा करेंगे, इतने आप जो हमने सेवा करी है स्वीकार करो। तो इस तरह से बच्चे कर सकते हो, और भगवान तो बच्चों के लिए वैसे भी दीख जाते हैं, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप एक मिनट भी खड़े हो जाओगे हाथ जोड़ के तो भगवान वैसे ही दीख जाएंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है नीलम शर्मा का। राधे राधे मैम, राधे राधे जी। और इन्होंने पूछा है मेरे घर में 4 लड्डू गोपाल हैं, सबसे छोटे लड्डू बाबू में काले दाग हैं, कितना कोशिश कर चुकी हूँ दाग साफ नहीं हो रहे। तो अगर दाग साफ नहीं हो रहे तो कई बार वो पॉलिश दूसरी होती है, मेटल पॉलिश, नॉर्मली जो लोकल वाली पॉलिश होती है वो वाले लड्डू गोपाल भी मार्केट में मिलते हैं, तो हो सकता है वो वाले हैं, उन्हीं के ज़्यादा साफ नहीं होते हैं, और अच्छे भी हो तो कई बार दाग पड़ जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं जब भी साफ नहीं होते हैं, तो साफ नहीं हो रहे हैं। और अब इन्हें बताए असल में वो थोड़े जल गए थे। अच्छा जी, तो क्या पूजा की मूर्ति पॉलिश करवा सकते हैं या कोई उपाय बताएं मैम? जय श्री कृष्णा। देखिए पहली बात तो ये, अगर दाग साफ नहीं हो रहे उसके बहुत से उपाय हैं, पहले आप वो करके देखिए। सबसे पहला है अभ्यंग पाउडर या अभ्यंग पेस्ट आता है मार्केट में, जहाँ पे कान्हा जी की श्रृंगार के सामान मिलता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है अभ्यंग पाउडर, 50-60 रुपये का आ जाता है अभ्यंग पेस्ट भी, और मेरी वीडियो अपलोड भी है कि दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं, चमक कैसे लाएं, तो आप उससे अच्छे से रब करिए, मालिश करिए और उसके बाद से आप और उनको नहला दीजिए, ठीक है?
तो उसके बाद से अगर तब भी आपके दाग ना जाए तब दही है, दही में अमचूर मिला लिए, नींबू मिला के भी आप मालिश करके उनका अच्छे से मालिश करके देख लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर कॉटन से साफ करना। अगर तब भी दाग नहीं छूटते हैं तो बिल्कुल जी आप पॉलिश करा सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपके भगवान जी को आप अपना बच्चा मानते हो तो आप क्या पेंट करा लोगे, आप क्या पॉलिश करा लोगे। ये दकियन उसी बातें ना करी जाएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चों में भी कुछ दिक्कत होती है कुछ, तो हम उन्हें डॉक्टर के भी ले जाते हैं, हम उन्हें वैसे श्रृंगार के शॉप पे भी श्रृंगार का सामान दिलाते हैं, जब कोई प्रोग्राम मंदिर में ही निकलता है उसे, जब कोई स्कूल में भी प्रोग्राम होता है तब भी हम उन्हें हर तरह से तैयार करते हैं। तो हमारे प्रभु को श्रृंगार बहुत पसंद है, और आप अपने से दूर नहीं करना चाह रहे, उनको चाह रहे हैं कि अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार करें, तो आप बिल्कुल से मेरी राय है आप करा सकते हैं। कान्हा जी का आशीर्वाद, इनका कमेंट है, प्लीज़ बता दीजिए मैम हमें अपने लड्डू गोपाल को भी नौका विहार करानी है प्लीज़। एक मिनट में थोड़ा सा, इनका क्वेश्चन है, प्लीज़ बता दीजिए कि मैम हमारे अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार करानी है प्लीज़। जी आप निर्जला एकादशी तक कभी भी नौका विहार प्रभु को करा सकते हो, लड्डू बाबू को करा सकते हो, कभी भी करा सकते हो, ठीक है। तो निर्जला एकादशी तक शाम को भी करा सकते हो, 4 से 5 बजे के बीच में भी करा सकते हो, तो कोई टेंशन ना ले, आप अच्छे से नौका विहार करा सकते हो। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बार बार हर वीडियो में बताना पड़ रहा है कि आप नौका विहार अच्छे से करा सकते हो निर्जला एकादशी तक, ठीक है। और कईयों ने कराई भी है, जैसे हमने टप में कराई थी तो कईयों ने नौका विहार कराई भी है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। प्रभु भाव के भूखे, अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये तमाशा है, ढोंग है, ये है वो है, तो बात ऐसी है कि अगर ऐसे है तो बिहारी जी भी हम रोज रोज नहीं जाते, बिहारी जी के दर्शन भी हाथ जोड़ के हम घर से ही करते हैं, उनको नमस्कार हम घर से ही करते हैं, डेली डेली तो वहाँ नहीं जाया जाता। तो भगवान जी जब हमारे पास है तो जितने हमारे भाव हैं हम उस हिसाब से कर सकते हैं। और भैया जिनके ज़्यादा ही राम लग रहे हैं तो अपना जाइए और कराइए, जो प्रभु को मंजूर है करिए, है ना, औरों को तो करने दीजिए। चलो जी, ये है गणेश प्रजापति का क्वेश्चन, मैम मैं 14 साल का लड़का हूँ और मैं कान्हा जी को सुबह के टाइम भोग लगा पाता हूँ, तो क्या ये सही है, प्लीज़ जल्दी रिप्लाई करो। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी कैसे करूँ, मुझे बस चलो ठीक है, क्या बोलूँ, जल्दी ट्रेन छुट्टी जा रही, जल्दी रिप्लाई करो जी। आप अगर सुबह के टाइम लगाते हो वो भी बहुत अच्छी बात है कि चलो सुबह के टाइम आप भोग तो लगा रहे हो ना भगवान जी को, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सुबह लगा पाते हो तो कोशिश करो दोपहर को भी कुछ ना कुछ भोग लगाओ। अगर आपके ओनियन गार्लिक यानी लहसुन प्याज का भी छोक लगता है तो आप खाली चीनी का पराठा, दही से पराठा और नॉर्मली टमाटर का भी एक कटोरी सब्जी निकाल के तड़का लगा सकते हो, जीरे का छोक लगा के भगवान जी को रोटी सब्जी भोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो हम भोग नहीं लगा सकते जी, बिल्कुल लगा सकते हो भोग, टमाटर का भोग लगा दो, जीरे का लगा दो, ऐसे करके भी, नहीं तो बहुत से आइटम होती है आप उसका सूखी चीज़ों का भी भोग लगा सकते हो, फलों का, ड्राई फ्रूट का, जूस का, ठंडाई का, आजकल तो बहुत सारी आइटम है, बता बता के मुँह में पानी आ जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मालती वर्मा राधे राधे दीदी, राधे राधे जी, आपकी राधा रानी कितने नंबर की है? अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो मैं सच ही बताऊंगी, मेरा जो लड्डू बाबू है आपने देखा होगा, लेकिन उसका चेहरा गोल है, तो इसलिए वो मेरे लड्डू गोपाल जो पीले वाले हैं वो भी 7 नंबर के हैं, मेरी लाडली आई है वो भी 7 नंबर की है, वो थोड़ी सी बड़ी उनसे एक आधी इसलिए दिखती है क्योंकि उनका फेस लंबाई में ऊपर से चोटी भी लंबी है, तो बाकी दोनों का साइज 7 नंबर है, बट मैं 6 नंबर इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे लड्डू गोपू को 6 नंबर की ड्रेस आ जाती है। कई कल को आपका भी अगर 7 नंबर का तो चिंता ना करें, 6 नंबर की ड्रेस आ जाती है। अगर फ्रॉक जो आप फ्रॉक लेते हैं ऑनलाइन बाजार से या कहीं से भी लेते हैं, वो पहनाने का तरीका क्या होता है, कई बार पीछे से मतलब कि फ्रॉक हम नहीं पहना पाते तो पीछे से 1-2 टाँके आप खोल सकते हो, फिर आप आगे से करके पहना सकते हो, नहीं तो उल्टी भी पहना सकते हो, यानी इधर से बाजू डाला, इधर से डाला और पीछे पिन लगा दो, तो कई तरीके होते हैं। थोड़ी बहुत छोटी ड्रेस भी हो जाती है तो वो भी टाँका पीछे से खोल लो 1-2 लाइन तो पहनाई जाती है, ठीक है। तो 7 नंबर के मेरे लड्डू गोपाल है, 7 नंबर की ही राधा रानी है, वो इस वजह से लंबी बड़ी दिखती है। हरप्रीत चड्ढा का क्वेश्चन है, राधे राधे भाभी, हरे कृष्णा, राधे राधे हरप्रीत। और हरप्रीत हमेशा से बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करती है, वो टाइम तो मुझे नाम भी रट गया।
और इंस्टाग्राम पे भी लगातार मुझे फॉलो करती हैं, तो जो मुझे लगातार फॉलो करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी सब पूछते हैं, मैं स्टोरी पे बता बता के परेशान हो जाती हूँ, भैया कृष्णा दासी लवली जो मेरी इसकी फेसबुक कह रही हूँ यूट्यूब की है वो ही मेरी वहाँ की है, ठीक है, कृष्णा दासी लवली इंस्टाग्राम आईडी। और मेरी मोज टकाटक रोपोसो आईडी लवली शर्मा 719 है, ये भी बता दूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत दिन से खबरें आ रही थी यूट्यूब बंद होने वाला, इंस्टाग्राम बंद होने वाला, मैंने कहा भैया, और फिर मेरे पास सारे साइन आने लग गए इंस्टाग्राम से, इमोजी रोने के, दीदी कहाँ मिलेंगे कहाँ करेंगे, मेरे को भी इमोशनल कर दिया। तो आप वहाँ मिल सकते हैं हमें, अगर भगवान न करे, अब तो खैर शायद बंद नहीं हो रहा, अगर हो भी जाता है तो टकाटक है, मौज है, रूपसो है, वहाँ तो हूँ मैं, तो लवली शर्मा 719। तो इनका क्वेश्चन है राधे राधे भाभी हरप्रीत का, भाभी गुप्त विवाह का मीनिंग क्या होता है। गुप्त का मीन ही सबके सामने आ रहा है, गुप्त का मीन होता है छुपा के, किसी के सामने ना करके, गुप्त का मीन्स ये होता है कि छुपके किसी के सामने ना करके, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है कि भाभी गुप्त विवाह क्या होता है, गुप्त मतलब कोई नहीं है, खाली हम दो चार लोग हैं, छुपके से हम विवाह कर रहे हैं, उन्हें गुप्त विवाह कहा जाता है। जैसे गुप्त विवाह राधा रानी का हुआ था, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था, नारद जी ने फिर करवाए थे, तो उन्हें भी गुप्त विवाह कहा जाता है। इसलिए ज़्यादातर कई लोग सामने जैसे मंदिरों में उनको सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं लगा पहनाते, क्योंकि गुप्त विवाह हुआ था उनको, क्योंकि लोगों के सामने नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ का पता है, जब लोगों के सामने कुछ ना हो तो वो मानने नहीं कहा कहते, लेकिन वृंदावन में प्रूफ है भांडेर वन में, तो इसलिए हम तो जब हमें पता है तो अपने घर में तो हम सिंदूर भी लगाते हैं और मंगलसूत्र भी पहनाते हैं, तो इसे गुप्त विवाह बोलते हैं। आप मीरा कृष्णा का, अच्छा एक कमेंट गया, आपकी लाडली और लड्डू गोपू तीनों बड़े सुंदर हैं और आप भी सुंदर हो आंटी जी। अरे जब बच्चे सुंदर हैं तो बच्चों की मैया पे भी तो थोड़ा बहुत असर आएगा ना आएगा। तो भैया इतने प्यारे प्यारे प्रभु हैं तो भक्तों भी थोड़ा बहुत बहुत दया कर देते हैं कि हम इनके पीछे होते तो हम भी अच्छे लगने लग जाते हैं। तो हाँ एक और है हर्ष पाराशर का क्वेश्चन है, मैम हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं पर वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है और नहीं मैं उनकी सेवा बहुत कम कर पाता हूँ, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मेरा ये निर्णय है कि क्या आगे पता नहीं क्या लिखा है, हो सकता है मेरे से कट गया हो, बट अब मैं इनका जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कई लोगों को ये वहम बहुत ज़्यादा पड़ चुका है कि हमारे हम जब प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि अब YouTube पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, चार दिन की पांच दुनिया, तो इतना मत सोचिए, कुछ तो YouTube हम लोग इसलिए भी आपको दिखाते हैं कि कई लोगों को जानना होता है प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है क्या नहीं, इस तरह से भी सब जानने को होते हैं, लेकिन अब चिंता ना करें क्योंकि जब YouTube में ये सब नहीं होता था तब भी सब भाव से पूजा कर ही रहे थे। तो कहने का मतलब है अगर आपने पूजा स्टार्ट कर दी है बिना प्राण प्रतिष्ठा के, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, किसी भी मूर्ति को जब हम घर लाते हैं, मूर्ति घर आती है जब हम उनकी पंचम स्नान कराते हैं, या पाँच दिन का प्रोसेस होता है जो फलों में और गेहूं में चावल में चीनी में, मतलब जो भी पाँच दिन का प्रोसेस होता है सब्जियों में वो रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, अगर वो नहीं तो जैसे मैंने कराई है सबकी, मैंने पंचम स्नान करा के ही प्राण प्रतिष्ठा करा रखी है, तो अगर हमने नॉर्मली पंचम स्नान करा के ही प्राण प्रतिष्ठा कराई है या हम नॉर्मली पूजा करनी भी शुरू कर दी है तो वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी भगवान जी की, क्योंकि भगवान जी भक्त के भाव के भूखे, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, कई लोग कहते हैं क्या भाव भाव होता है, कुछ नियम पालन भी होते हैं, तो भैया नियम पालन अगर करने हो तो इतने नियम पालन है जो हम गृहस्थ में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, भगवान सच में भाव के भूखे, आप कुछ 56 भोग मत दो, आप खाली तुलसी दल ले लो, भगवान तो उससे भी रीझ जाते हैं, और ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं इससे पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, तो चिंता ना करें।
जिनके भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो आप जैसे सेवा करते आ रहे हैं वैसे सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो आप जैसे एकादशी आती है पंचम स्नान करा सकते हैं, गंगा जल स्नान करा सकते हैं, फिर से दोबारा सेवा पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि भाव भक्त के मन में और प्रभु के मन में दोनों में आ जाते हैं, आपकी सेवा को देखकर प्रभु में भाव आ जाते हैं। ये उसको बहुत अच्छा लगा कि सब आप हालचाल पूछते हो। नितेश कमर का क्वेश्चन है, दीदी आपकी तबीयत अब ठीक है क्या? आपके सामने बैठी हूँ कैमरे के सामने, जब मैं कैमरे के सामने आ जाती हूँ मैं सत्य वचन कह रही हूँ, कान्हा जी मेरे सामने हैं। मेरे को अभी तक दोपहर तक भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने टैबलेट खाई है, मैंने ड्रॉप, मेरा चश्मा भी बनने गया हुआ है, तो मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम है। बट मैं जब मैंने सोचा कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, कुछ नहीं बात हो पा रही है मेरी, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है, बट ये दूर बहुत दूर रखा हुआ ट्राइपॉड, तो कम से कम मैं कुछ नहीं तो मेरे बच्चों से मैंने जो जो मुझे लग रहा था मेरे को पढ़ के बता रहे थे, स्क्रीनशॉट मैंने फ़ोन में ले लिए, मैंने कहा इस तरह से मैं रिप्लाई कर दूंगी। और कैमरे के सामने आती हूँ हमेशा रोतड़ी सी बन के, मेरे को नहीं अच्छा लगता इमोशनल होके, इमोशनल ब्लैकमेल मैं नहीं करती, मैं हंसती हुई आती हूँ और हंसती हुई दुनिया से जाऊँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ और आपको भी हंसाती रहूँ, ठीक है, फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोल दी रहे। तो जब मैं कैमरे के सामने आ गई तो अच्छे से टचअप होके और आपको मुस्कुराता चेहरा था कि आप भी खुश रहो कि मैं ठीक हूँ। बाकी मेरी आइस में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा टाइम डिले वीडियो में हो सकती है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ जो मेरी बनी हुई वीडियो है वो मैं किसी तरह एडिट कर रही हूँ और बच्चों से डलवा रही हूँ, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है, दीदी आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है क्या? तो नितेश कंवर बहुत अच्छी तो नहीं कह सकती हूँ, बट ये कि अगर आप सब इस तरह से चिंता भी दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जब मैं बोलती हूँ कि मेरी YouTube फैमिली है, मेरी Instagram फैमिली है, तो वो सच्ची में फैमिली वाली फीलिंग आती है। तो दिल से धन्यवाद और आप सबको इसी तरह प्रेम रहा और बिहारी जी का प्रेम रहा। तो मैं जल्द से जल्द ठीक होकर और फिर से आपको दर्शन करवाऊँगी डेली के, जैसे मैं श्रृंगार दर्शन करवाती हूँ। और लास्ट का मैं ले लेती हूँ, इन्होंने बोला सुमित सोंगल है, आंटी आप लड्डू गोपाल को भगवान मानते हैं या फिर बेटा? देखिए मैं इनसे कोई भी रिश्ता बना लूँ, हम भगवान से पति परमेश्वर बेटा बेटी बहन भाई जो भी रिश्ता बना लें हम सब, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, ये भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे हमारे इष्ट, ठीक है। तो भाव मेरे दोनों तरफ हैं, भगवान है इसलिए उनकी मैं उस नियम से जो भी मेरे से बन पड़ता है, मैं ज़्यादा नहीं नियमों में फंसती हूँ, जितना मैं जो हम खाना है भगवान जी अल्लाह तेरे को अर्पण है तुम खाओ, जितनी मेरे से सेवा भगवान जी ये कराए आप स्वीकार करो, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं वो उतनी सेवा इनकी करती हूँ, ठीक है। और रही बात बेटा की, तो भैया बेटा भैया लाला गोदी में भी झुला लूँ, लोरी सुना लूँ, प्यार भी कर लूँ, गोदी भी उठा लूँ, तो दोनों रिश्ते मेरे हैं, तो आप दोनों तरह के रिश्ते कर सकते हो। एक क्वेश्चन हो रहे हैं, आज काफ़ी क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी ना, और मैं ज़्यादातर वेडनेसडे और थर्सडे को ही सोचती हूँ डालने का। स्नेहा का क्वेश्चन है कि राधे राधे मैया राधे राधे बेटा जी, तो इनका क्वेश्चन है मैया मैं युगल सरकार ले रही हूँ बहुत बहुत आई हूँ, लेकिन मेरा मंदिर मेरे बेडरूम में है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैं उन्हें रख सकती हूँ, मेरा बहुत मन है उनकी सेवा करने का, प्लीज़ आप बता दीजिए क्या मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो स्नेहा हम बेटा राधे राधे, और बहुत खुशी की बात है आपके मन में युगल सरकार की भावनाएं, और युगल सरकार की खुद का मन होगा आपके घर आने का, प्रभु का खुद से मन होता है जब भी वो आपके घर आके आपको सेवा देते हैं। हम एक दूसरे कहते हैं हमें गिफ्ट दे दो, हमें गिफ्ट दे दो, आप ये गिफ्ट कर दो, हम ये इस तरह से मांगने से नहीं आते प्रभु, प्रभु आपके भाव देखते हैं तभी प्रभु आते हैं किसी के घर भी, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो। तो जब प्रभु हमारे भाव देखते हैं तभी वो मेरे घर देखो कितने सारे रूप में आ गए, है ना, कितने सारे रूप में आए ना, मैंने तो नहीं कहा सबसे, लेकिन जब इनको आना है तो मेरे अलग अलग रूप में कितने सारे में आ गए। तो भगवान भक्त के भाव देखते हैं, ठीक है। और रही बात, इन्होंने बोला कि मेरा मंदिर मेरे बेडरूम में है, कॉल आ गई थी, तो इनका बेडरूम इनका मंदिर बेडरूम में है, तो मैं उन्हें रख सकती हूँ, मेरा बहुत मन है उनकी सेवा करने का। तो देखिए आप
मेरा मैं अपनी अगर कहानी मेरी वीडियो डली हुई है कि मेरे घर लड्डू गोपाल कैसे आए, मेरे पास भी घर नहीं था, एक ही मतलब एक या दो रूम ही थे, मतलब एक ही लगा लो जिसमें बैठती थी। आज भगवान की कृपा से फिर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। तो मैं भी बेडरूम में ही, मेरा बेडरूम में बैठना, बेडरूम में खाना, बेडरूम में सोना। तो क्या कर सकते हैं, जब भगवान ने हमें एक रूम दिया तो भगवान को हमने सेवा करनी है। तो कहते हैं भगवान की सेवा करना ही छोड़ दो, ऐसा हो सकता है? मतलब अगर हमें भगवान ने एक कमरा दिया तो भगवान को ला भैया तूने हमें एक कमरा दिया, हम तो सेवा नहीं कर रहे, ये गलत है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैं ऐसा करती थी, जैसे मेरे पास ये लड्डू गोपाल हैं थे या अब भी हैं, मतलब सारे देवी देवता, मैंने एक आला सा बना रखा था, ऐसे थोड़ा सा पुराना घर था तो आला था। आला का मतलब होता है जैसे अलमारी की रैक वगैरह जैसे होती है उस टाइप से था। तो मतलब कि उसमें मैंने मंदिर बना रखा था, तो वहीं पे हम सोते, वहीं पे हम खाते थे। तो क्या कर रखा था, पर्दा लगा रखा था। अगर आपको लाना है तो आप पर्दा लगाइए, अपने मन में ऐसा भाव रखिए भगवान तूने ये दिया है तो तू भी यहीं विराजमान हो, लेकिन हम पर्दा लगा देंगे। पर्दा लगा सकते हो आप, और ज़रूर से लाना जब आपका मन है तो। आपका मन नहीं है, भगवान जी आना जा रहे हैं, तो इस चीज़ को सोच के कोई चिंता ना करें। जब उसने छोटा दिया है, एक बेडरूम दिया है, तो और आगे वो भी वही सोचेगा सब चीज़। तो आप पर्दा लगाना और उनको ले आना, जय श्री राधे। ठीक, तो और एक क्वेश्चन था, स्वयं दीवान दीवानई का दीवाना ही पता नहीं क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इनका एक क्वेश्चन था कि राधे राधे मैम, हरे कृष्णा राधे राधे जी, चंदन यात्रा में रोज चंदन लगाना है, प्लीज रिप्लाई में राधा राधे दी, आपकी इच्छा है, क्योंकि अक्षय तृतीया 14 तारीख से चंदन यात्रा शुरू हुई थी, अब खत्म होने वाली है, नौवीं दसवीं नहीं इक्यासी तक खत्म हो जाएगी चंदन यात्रा। ठीक है, अब जो 6 तारीख की इक्यासी उस टाइम 21 दिन हो जाएंगे, तो इतने समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगाना पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो, नहीं लगाना तो नॉर्मल मत्थे पे लगा सकते हो, गालों पे लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, हाथों पे लगा सकते हो। तो इस तरह से आपकी इच्छा है, आप चंदन चाहे रोला, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लगाया जाता है, तो आप लगा सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन है लड्डू कृष्ण भक्त आदिति का, इन्होंने पूछा है दी, क्या पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते बट उनके ड्रेसेस बना सकते हैं या नहीं? देखिए, किसका भी मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग पीरियड में सेवा करते हैं भाई, मैं उसके नहीं बोल सकती, भैया आजकल कुछ बोलो तो सब चढ़ जाते हैं लेकिन जो मैं करती हूँ मैं वो बताती हूँ। भाई मैं तो पीरियड में बिल्कुल नहीं छूती, पीरियड में लेडीज़ प्रॉब्लम जो होती है मैं उसमें मंथली में नहीं छूती हूँ, क्योंकि मैंने छोटेपन से ही बच्चों को सेवा करना स्टार्ट सिखाया था, और कुछ नहीं था तो उनको वो साथ में जैसे दूध रख देते हैं दूध के साथ। अब तो मेरे बच्चे खैर समझदार हैं तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब छोटे हैं अगर आपके बच्चे, तो आपके जैसे पीरियड आने वाले हैं उससे पहले हमें लेडीज़ को पता लग जाता है, तो पीरियड आने से पहले आप लड्डू गोपाल के पास लोटा जल भर के तुलसी दल डाल के, मिश्री में तुलसी दल डाल के, ज़्यादा हो तो ड्राई फ्रूट में तुलसी दल डाल के आप रख सकते हो सूखी चीज़ें। ठीक है, और जब पीरियड आ जाए तो आप दूर से हाथ जोड़ के सेवा कह सकते हो, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं 4-5 दिन आपकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी सेवा गौ माता को दे रही हूँ, जो गौ माता हमारे मंदिर में हम विग्रह विराजमान करके रखते हैं, नहीं तो पिक होती है, तो मैं उनको आपकी सेवा दे रही हूँ 4-5 दिन के लिए, या फिर अष्ट सखी को या फिर राधा रानी को, आप उनके साथ उनसे अपनी सेवा करवाइए, तो 4-5 दिन बाद मैं आपकी खुद से सेवा करूँगी उनसे। फिर आप इस तरह से बोल के गौ माता या अष्ट सखी से आप उनको सेवा दे दीजिए, और 4-5 दिन जब हो जाए तो सेवा ले सकते हो। और रही बात कपड़े बनाने की, भी पीरियड कपड़े बना सकते, देखो कई लोग नहीं बनाते, लेकिन अगर हम कहीं से खरीद रहे हैं हमें क्या पता वो पीरियड में कपड़े बना रहे हैं नहीं बना रहे, तब भी तो हम पहनाते हैं। अगर आप इस लॉजिक को सोचें, अगर हम कहीं से कुछ खरीद रहे हैं या हम कुछ बना रहे हैं तो तब भी तो हम पहना ही रहे हैं ना, हमें क्या पता कि वो लेडीज़ बना रही है कि जेंट्स बना रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको ड्रेस बनानी बहुत मजबूरी है, अगर फ्री बैठे हैं तो ड्रेस आप बना सकते हो, आप बाद में ये कर सकते हो कि आप गंगा जल में, आप ये कर सकते हो कि गंगा जल डाल के थोड़ा सा, तो थोड़े से पानी में गंगा जल डालो तो पूरा ही गंगा जल माना जाता है, उसमें आप ड्रेस धो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बाद में ड्रेस गंगा जल में धो के उनको पहना सकते हो, तो आप पहना सकते हो, यही मैं कहना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे पीरियड होते हैं तो पीरियड में आप क्या भोग लगाएं, बच्चों से क्या लगवाएं, तो आप जो आटे वाले बिस्कुट
आते बिस्कुट आते हैं वो भोग लगवा सकते हैं, ड्राई फ्रूट, फ्रूट, पनीर, दही, इस तरह से बाजार की चीज़ें भी लाके आप भोग लगवा सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज ना हो वो भी लाके आप भोग लगवा सकते हैं। तो चिंता ना करें, हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, जब पीरियड वीरियड होता है तो बच्चे संभाल लेते हैं, कुछ बाहर की चीज़ें आती हैं, कुछ बच्चे घर में बनाते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, वहाँ तीन पार्टी हो जाती है और भैया सेवा की सेवा हो जाती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई, जो आशा करती हूँ कि आपको समझ आएंगे। एक क्वेश्चन और, आज बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। ललिता जहांगीर का, मैम कान्हा जी के पास जो मिश्री का प्रसाद रखते हैं उन्हें रोज हम बदले क्या, या फिर एक दो दिन छोड़ के मिश्री का प्रसाद? देखिए, आप जो मिश्री का प्रसाद रखते हैं आप रोज भी उसको अपनी चाय दूध में डाल के पी सकते हैं, क्योंकि प्रसाद ही हो जाती है, सबको भी दे सकते हैं या नॉर्मली वैसे भी लेके खा सकते हैं। डेली बदलना चाहे डेली बदल सकते हैं, दो तीन दिन में बदलना चाहें दो तीन दिन में बदल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीटी वगैरह ना चढ़े इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। एक का क्वेश्चन है वंदना गौर का, दी मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए लेनी है राधा रानी, आप नंबर दे दो, कहाँ से ली प्लीज़। देखिए मैं क्या नंबर दे दूँ, मेरे पास जो मेरी लाडली आई है, अब आप बड़ी वाली श्रीमती राधा रानी का कह रही हैं, तो वो तो मैंने गीता मार्बल मूर्ति आर्ट सबसे पहले मेरे यहीं आई थी, वहाँ से वहाँ ले रखी है, भैया मेरे घर भी आए थे वीडियो, उनका नंबर भी अपलोड है गीता मार्बल मूर्ति आर्ट का, तो वो भी उनके चैनल है तो वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप ये वाली मेरी लाडली की बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे लड्डू के लिए खुद ही धुलन यहाँ आ गई है बरसाने से, तो ये कोई मेरे फॉलोवर हैं और उन्होंने मुझे बरसाने गए थे वो घूमने, वो अपने लिए लाए थे, कुदरती ऐसा चक्कर चला या कुछ भी, उनकी मम्मी से ऐसी बात हुई, अचानक दो दिन में वो मेरे पास आ गई, तो जब आना होता वो आ जाती, तो मेरी बरसाने से आई थी। बाकी आप वृंदावन से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सी साइट आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जय श्री राधे। लाडली जी की प्यारी जी पूछे थी, हम युगल सरकार लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप युगल सरकार की सेवा पूजा की एक वीडियो डाल भी डाल। देखिए युगल सरकार की सेवा पूजा, मैं सबकी सेवा पूजा नॉर्मल तरीके से करती हूँ, एक साथ सबको भोग लगाती हूँ, ठीक है। अब बड़े विग्रह हैं उनको मैं सुला नहीं सकती, अगर मैं चाहूँ तो छोटे विग्रह को मैं सुला सकती हूँ, सुलाने का प्रोसेस यही होता है भाई, अपना उनके पास जल रख दो, मिश्री रख दो, फूल वूल रख दो और युगल सरकार को सुला दो, ठंडी चीज़ों का भोग लगाओ, जैसे अब गर्मी चल रही है, जैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे ही मैं राधे कृष्ण की सेवा भी करती हूँ, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है योगेश कुमार का, इन्होंने पूछा है कि आंटी मेरा क्वेश्चन है कि जितने नंबर की लड्डू गोपाल जी है उतने ही नंबर की लाडली लानी चाहिए। देखिए आजकल सब पूरी पूरी जितने लड्डू गोपाल के होते हैं उतनी ही मंगवाते हैं, लाते हैं लाडली राधा रानी, कि सेम सेम लगे अच्छा लगे, बाकी आप एक नंबर छोटी भी ला सकते हो, कोई चिंता नहीं, जैसे अब 7 नंबर है तो 6 नंबर ला सकते हैं, बराबर की भी ला सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो आशा करती हूँ आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी मैंने कभी 5 सोचती थी कभी 10, अब बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मेरा मकसद ही होता है वो अच्छे से डिटेल में मैं समझा दूँ। तो अब आपको अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और राधे राधे जरूर करना, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मेरी आईज और अच्छे से ठीक हो जाए भगवान जी, फिर मैं और अच्छे से देख के क्वेश्चन के रिप्लाई करूँगी, अभी तो मैं हाथ के हाथ जो भी मुझे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं बिल्कुल फेस टू फेस रिप्लाई कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ अगर अच्छे लगे तो, जिनके रिप्लाई करें वो तो जवाब जरूर दे देना। चलो ठीक है, जय श्री राधे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे लड्डू गोपो मेरी वीडियो देखते रहो।